मध्य प्रदेश एनसीपी प्रभारी मधुकर कुकड़े सिवनी पहुंचे, जहां एनसीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा सर्किट हाउस से छिंदवाड़ा चौक तक रैली निकाली गई। मधुकर कुकड़े का जहां जगह जगह फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। छिंदवाड़ा चौक में मधुकर कुकड़े के द्वारा सभा को किया गया संबोधित, तो वहीं सिवनी के सर्किट हाउस में एनसीपी नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता कर किया गया आयोजन, जिसमें उन्होंने नगरपालिका में होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही। तो वहीं कृषि कानून को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर साधा निशाना और अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गुणगान गाया। हम लोग किसान पक्ष हैं, हम कांग्रेस मिटी हैं, चर्चा करेंगे, ये आदमी पक्ष है। आज जब पंजाब में रहेंगे तो मुझे सभी लगते हैं, हमारे पैसे के जीवन चल रहे हैं, हमें लगते हैं जो अदरली फैमिली हुई हम भी बदल दीजिए, आज को 700 रुपये देगा पैसे। इस चीज भी बात नहीं है, 2 साल पहले अदरली शरद पवार जी ने जो गुंजन के 700 रुपये की बात की थी, तो पत्रकारों ने कहा था कि ये बात असंभव है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का जन्मदिन था और मुझे मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। इस मध्य में मध्य प्रदेश के अंदर में शरद पवार का जन्मदिन मनाने में पहुंचा। आगामी नगर पालिका चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेंगे और कोई मित्र पक्ष समझौता करेंगे, हम यह समझौता करने तैयार हैं। यह किसानों के मुद्दे पर जो शरद पवार जी किसानों के नेता है, जहाँ महाराष्ट्र में 2 साल पूर्व शरद पवार ने 700 रुपये मनुष्य की बात की थी, सभी पत्रकारों ने कहा कि ये सिक्चिली की बात है। जब महाराष्ट्र में 1 साल पूर्व जब सरकार आई तो 700 रुपये विरोध दिया गया था। आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के गुण पर चल रही है। जब हम चर्चा किए कि किसानों के मक्का के रेट नहीं मिलते, गेहूँ के रेट नहीं मिलते, धान के रेट नहीं मिलते, ऐसा निर्णय किया कि इस जगह भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेंगे। सत्ता हमारा दायरा नहीं है, आदरणीय शरद पवार नेतृत्व किसानों के नाते हैं। आज दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, आदरणीय शरद पवार जी राष्ट्रपति से मिलने गए, साथ में राहुल गांधी जी के पास मिला गए। आदरणीय शरद पवार का पूरा जीवन किसानों के हित में गया है, वो मट्टी से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे विश्वास के साथ सामान्य जनता के साथ खड़े रहेंगी, ये मेरा विश्वास है। आगे भी चुनाव हम पूरी ताकत और मत लड़ेंगे। सिवनी में जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो जनमानस का अपराधी होगा, अपना भला होगा। अब विश्वास करते हैं जो हमारा प्रत्याशी है सिवनी नगर पालिका को अच्छा बनेगा, पूरा प्रयास करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राकेश यादव की रिपोर्ट।